हे गाइस, वेलकम टू ऑलराउंड लर्निंग। आज 3 फरवरी है और 3 फरवरी तक जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में ऑक्सफोर्ड के द्वारा हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 किसे घोषित किया गया है? ऑप्शंस हैं आत्मनिर्भर भारत, जन आरोग्य, संविधान या फिर नारी शक्ति। तो इसका आंसर है आत्मनिर्भर भारत। इसके अलावा बात करें संविधान की तो ये 2019 का वर्ड ऑफ द ईयर था और नारी शक्ति 2018 का वर्ड ऑफ द ईयर था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया था। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था, समाज और व्यक्तिगत तौर पर लोगों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया था। जो ये वर्ड ऑफ द ईयर है इसको जो चुना जाता है वो एक लैंग्वेज एक्सपर्ट के एडवाइजरी पैनल के द्वारा चुना जाता है, जिसमें इमोजेन फॉक्सवेल, पूनम निगम सहाय और कृतिका अग्रवाल अहम भूमिका निभाते हैं। ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द से मतलब ऐसे शब्द से है जो पिछले साल के लोकाचार, मनोदशा या स्थिति को प्रतिबिंबित करे और जो सांस्कृतिक महत्व के एक शब्द के रूप में लंबे समय तक बने रहने की क्षमता रखता हो। अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में जान लेते हैं। इसका मोटो है द लॉर्ड इज माई लाइट। टाइप है ये पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटी का। इसको एस्टेब्लिश करा गया था 1096 में। इसके चांसलर हैं द लॉर्ड पैटिन ऑफ बर्नीज। वाइस चांसलर हैं लुइस रिचर्डसन। लोकेशन की बात करें तो ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्डशायर, इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम। सेकेंड क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम कौन बन गई है? ऑप्शंस हैं भारत, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर है न्यूजीलैंड। टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट टेबल में सेकेंड पोजीशन में रहते हुए ये फाइनल में पहुंच गई है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हुआ, तो इसका कारण है ऑस्ट्रेलिया का साउथ अफ्रीका का दौरा कैंसिल करना। अब न्यूजीलैंड के बारे में जान लेते हैं। तो न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन, लार्जर सिटी है ऑकलैंड, ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश और माओरी, मोनार्क हैं एलिजाबेथ सेकेंड, गवर्नर जनरल हैं पैट्सी रेडी, प्राइम मिनिस्टर हैं जेसिंडा आर्डर्न। इसका टोटल एरिया है 268,021 स्क्वायर किलोमीटर और एरिया वाइज इसका रैंक है 75, वही पॉपुलेशन वाइज है 120। करेंसी की बात करें तो न्यूजीलैंड डॉलर आपको याद रखना है। इसके अलावा एक और बात बता दूं, जो टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है वो इंग्लैंड के लॉर्ड में खेला जाएगा और इसमें पॉइंट टेबल की बात करें तो इसमें पॉइंट टेबल में नंबर 1 पर इंडिया है। आईसीसी के बारे में भी अब थोड़ा जान लेते हैं। तो आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका मोटो है क्रिकेट फॉर गुड। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 15 जून 1909 में। हेडक्वार्टर की बात करें तो 2005 से दुबई यूएई और उससे पहले लंदन यूके। चेयरमैन की बात करें तो ग्रेग बार्कले और सीईओ मनु सहाने। थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड राज्य का कौन सा जिला 100% साक्षरता वाला भारत का पहला जिला बन गया है? ऑप्शंस हैं देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है देहरादून। इस उपलब्धि को जिला ने कोरोना काल में हासिल किया है। एक गहन सर्वे में जिले में 6 वर्ष से ऊपर जिन 30,207 निरक्षर व्यक्तियों का चयन किया गया था वे सभी अब साक्षर हो गए हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर 75.06% है, जिसमें केरल की 94% है और ये सबसे ज्यादा है और सबसे कम 64% के साथ बिहार है। इसमें पुरुष की साक्षरता दर 85% है और महिलाओं की 65%। चलिए उत्तराखंड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं।
इसकी फॉर्मेशन हुई थी 9 नवंबर 2000 में। इसकी कैपिटल्स दो हैं, समर गरसाई और विंटर देहरादून। टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं 13। गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य और चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। चीफ जस्टिस की बात करें तो रघुवेंद्र सिंह चौहान। लोकसभा सीट से इसकी 5 और राज्यसभा सीट से 3। इसका टोटल एरिया है 53,483 स्क्वायर किलोमीटर और एरिया वाइज इसका रैंक है 19, वहीं पॉपुलेशन वाइज है 21। ऑफिशियल लैंग्वेज है इसकी हिंदी और एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज है संस्कृत। इसकी लिटरेसी रेट है 78.82% और सेक्स रेशो है 963। क्वेश्चन नंबर 4, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी या फिर 4 फरवरी। तो इसका आंसर है 2 फरवरी। इसको प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है और इसको मनाने का रीजन क्या है? तो 2 फरवरी 1971 में रमसार ईरान में वेटलैंड कन्वेंशन को अडॉप्ट किया गया था, तो उसी के चलते ही इस दिवस को मनाया जाता है। पहली बार इसे 1997 में सेलिब्रेट किया गया था। इसे हिंदी में कहा जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। आर्द्र भूमि से तात्पर्य नमी या दलदली क्षेत्र अथवा पानी से संतृप्त भूभाग से है। इस वर्ष की थीम की बात करें तो वेटलैंड्स एंड वाटर। क्वेश्चन नंबर 5, अभी हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया है? ऑप्शंस हैं शिवम सहकारी बैंक कोल्हापुर महाराष्ट्र, बसंत डड़ा नागरी सहकारी बैंक महाराष्ट्र, कराड़ जनता सहकारी बैंक महाराष्ट्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है शिवम सहकारी बैंक कोल्हापुर महाराष्ट्र। बैंक के पास पर्याप्त पूंजी न होने के कारण और भविष्य में कमाई की कोई संभावना न होने के कारण इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। बैंक में पैसा जमा जो किया गया है उसमें 99% से अधिक जमाकर्ता डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन से बीमाकृत हैं। अब DICGC के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म होती है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1961 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। एग्जीक्यूटिव हैं MD पात्रा और ये डेप्यूटी चेयरमैन हैं RBI के। RBI ने कैंसिल करा है लाइसेंस, तो RBI के बारे में भी जान लेते हैं। RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। इसको एस्टेब्लिश करा गया था 1 अप्रैल 1935 में। इसके जो ओनर हैं वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नर की बात करें तो शक्तिकांत दास। और इसको फॉर्म करा गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में SBI कार्ड्स और पेमेंट सर्विसेज ने किसे अपना नया MD और CEO नियुक्त किया है? ऑप्शंस हैं रामा मोहन राव अमारा, अश्विनी कुमार तिवारी, दिनेश कुमार खारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है रामा मोहन राव अमारा। इसके अलावा अश्विनी कुमार तिवारी, इन्होंने रिजाइन करा SBI कार्ड और पेमेंट सर्विस के MD और CEO से, बिकॉज ये अब SBI के MD बन चुके हैं। दिनेश कुमार खारा की बात करें तो ये SBI के चेयरमैन हैं। रामा मोहन राव अमारा की बात करें तो ये पहले SBI भोपाल सर्कल के चीफ जनरल मैनेजर रह चुके हैं। अब SBI कार्ड्स के बारे में जान लेते हैं। तो ये फाइनेंशियल सर्विस की इंडस्ट्री है। इसको फाउंड करा गया था 1998 में। इसका हेडक्वार्टर है गुड़गांव इंडिया में। MD and CEO रामा मोहन राव अमारा और इसके प्रोडक्ट्स हैं क्रेडिट कार्ड्स। वीडियो का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने मरीन टर्टल एक्शन प्लान जारी किया है? ऑप्शंस हैं जल शक्ति मंत्रालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। और जो करंट में इसके मिनिस्टर हैं वो है प्रकाश जावड़ेकर।
इसके अलावा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मरीन मेगा फोना स्ट्रैंडिंग गाइडलाइंस भी जारी की हैं। इस प्लान में संरक्षण के लिए अंतर क्षेत्रीय कार्रवाई को बढ़ावा देने के तरीके और साधन बताए गए हैं तथा इसके अलावा समुद्री स्तनधारियों को फंसाने, चोट या मृत्यु दर के मामलों पर सरकार की तरफ से कार्रवाई और समुद्री कछुओं के संरक्षण के निर्देश दिए गए हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और अगर कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छूट गया है तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।